ये सब में जी बात करें अगर सरसों की, तो देख रहे हैं कि सरसों में भी आज नए हाइस बनते हुए नजर आए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कि सरसों का सितंबर वायदा 8,780 पर कारोबार कर रहा है और 8,831 का हाई लगा चुका है। 1.25% की तेजी सरसों के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो अमित जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ तेजी बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या हल्दी 9,000 के बाद उसके ऊपर का भी लेवल दिखला पाएगी? जी, जहां तक सितंबर फ्यूचर्स का सवाल है, यस, मुझे लगता है कि सितंबर वायदा जो है वो 9,100 का एक लक्ष्य हासिल कर पाएगा। अगर आपको ध्यान होगा तो 8,200 के ब्रेकआउट की बात की थी, उसके बाद हमने सक्सेसिवली तेजी आते हुए देखी है और जरा भी करेक्शन नहीं आते हुए देखी है। अक्टूबर वायदा भी जो है जिसे हम सीधा बदला या कंटेंगो कहते हैं उसमें है, तो वहां पर भी तेजी का रुख है। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो 9,000 के पार हो सकते हैं। बहुत ही इमीडिएट अच्छा सपोर्ट 8,550 से 8,500 के बीच मिल रहा है, जो हम पिछले 3 सेशन से प्राइस को होल्ड करता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं दिख रही कि 9,100 के जो लेवल है बड़ी आसानी से मार्केट जो है वो कैप्चर कर लेगी।